हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे आप लोग। और आज अपडेट लेके आए थे यस बैंक पे। यस बैंक में आपको पहले वार्निंग दिया था, आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियो पे होंगे तो शायद आपको एक लेवल दिया गया था कि वो 42-45 तक जा सकता है, और अब वहीं की ओर ये जा रहा है। 50 पे एक अच्छा सपोर्ट है जो कि टूटेगा, और वहाँ से 45 के आसपास सपोर्ट लेके ये रुक जाएगा, चाहे वो वन डे के लिए जाए लेकिन जा सकता है। अभी देखेंगे तो 52 भी क्लो ऑलरेडी 53 बना दिया। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो में होंगे तो आपको ये बताया गया था कि इसमें वीकनेस है कोई भी सेंटीमेंट। अभी तक न्यूज ये आ गया कि सीजी पावर में इनका ऑप्शन था 29% था, जो भी था वो लेकर के ये गिरा दिया गया। ये सबको एक बहाने काउज है, इसको नीचे जाना ही था, और ये अभी थोड़ा नीचे और जाएगा, यहाँ रुकेगा नहीं। तो आज 22 तारीख को 56:30 पे क्लोजिंग हुआ, 9 रुपया 13.5% से गिरा हुआ है। अगर डेरिवेटिव में जाकर के इसको देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे अंडरलाइन ऑप्शन 5765 में क्लोजिंग हुआ है, ओपन 66 पे हुआ था, हाई 67 का बना है, लो 53.20 का बना है, और क्लोज 5765 पे बता रहे हैं। वहीं पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1.92 है। ऑर्डर बुक में देखेंगे बाय क्वांटिटी 14,54,000 है, वहीं 1,19,50,000 सेल पे है, सेलिंग यहाँ पे ज़्यादा पे है। अगर हम इसको जाकर के बाइंग डिलीवरी परसेंटेज पे चें तो जहाँ 10 करोड़ 12 करोड़ यहाँ पे 10 करोड़ 12 करोड़ का ट्रांजेक्शन होता था, वहाँ 31 करोड़ से ट्रांजेक्शन हुआ वॉल्यूम। और वॉल्यूम वेटेड रेट देखेंगे तो 59 की जगह 56 से क्लोजिंग हुआ, कितना वीक है सो देखिए, 59 की जगह 56 की क्लोजिंग दे रहा है, बहुत ही वीक है। और डिलीवरी बेस सेलिंग भी है, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी 31 करोड़ की हुई है, और डिलीवरी भी 15% से हुई है, 4,97,00,000। तो कहीं ना कहीं इसमें डिलीवरी बेस सेलिंग होने को है, लोग इसको सेल किए हैं डिलीवरी बेस्ड। यस बैंक में कहाँ तक जा सकता है तो एक इसके लोअर बॉलिंगर बैंड्स में मंथली बेसिस पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं 41.16 रुपीज़ दिखा रहा है, 41.16। तो हो सकता है ये आपको 41.16 को टच करते हुए एक बार सो जरूर करेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा है, 110 रुपये की कुछ इसकी वैल्यूएशन बुक वैल्यू है, वो खराब नहीं हुई है, नहीं होगी, तो आप इसको 100 रुपये आराम से मिलेगा, आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं। जहाँ एक पैटर्न की बात है कि ये कंटिन्यूस अभी फॉल दे रहा है, तो अभी यहाँ पे कोई ये रुकने वाला है नहीं। अभी एक फॉल है जहाँ 66 पे आप देखेंगे क्लोजिंग तो दिखा रहा है डेली बेसिस पे, लेकिन अभी भी ये वीक सेंटीमेंट पे ही है। अभी भी आज का देखेंगे ओपन 66 होकर लो 53 बना के 56 गया है, लेकिन अभी भी इसी सेंटीमेंट लो है, और लोअर लो का एक फॉर्मेशन टाइप का बना ही रहा है। अभी भी वीकनेस इसमें कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहेगी भी। अगर इसको एक बार डेरिवेटिव पे जाकर इसको चेक करें, और मैं अगस्त का नहीं सितंबर का चेक कर रहा हूँ, अगस्त में तो शायद 50 नहीं तोड़े 50 पे सपोर्ट ले लेगा। अगर पहले एक बार अगस्त देख लेते हैं, अगस्त पे देखेंगे तो देखेंगे 50 पे यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं 50 टूटते हुए नहीं दिख रहा, हो सकता है नहीं टूटे क्योंकि 36 लाख से ऊपर इंटरेस्ट है, और 55 पे 25 लाख का है, 60 पे 36 लाख का सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं ये इसी के आसपास 50 के आसपास आके अगस्त का महीना क्लोज कर देगा। लेकिन इसको जाना तो नीचे, तो ये नीचे जाएगा, और अभी किसी भी हालत में ये 70 क्रॉस नहीं करेगा। टोटल 70 क्रॉस करने के लिए इसको 30-30, 60-60, 80 लाख के शेयर को इसको तोड़ के यहाँ पे 80 करोड़ के शेयर को लगभग इसको तोड़ के 1.5 करोड़ शेयर को तोड़ना पड़ेगा इसको, तो जाकर के वो जाकर के ऊपर जाके क्लोज देगा, जो कि पॉसिबिलिटीज नहीं देखता है। तो यह महीना तो थोड़ा 50 के आसपास जाएगा, लेकिन अगला महीना भी इसका ठीक नहीं है, नेक्स्ट मंथ भी जो देखेंगे ये अच्छा खासा ये कॉल पे राइटिंग ही हो रही है, और ऑलरेडी 60 पे 10 लाख 65 पे 7 लाख और 17 लाख से हमने 10, 20, 30, 37, 34, 35 लाख से ऑलरेडी यहाँ पे 60 से 70 के बीच में रेसिस्टेंस है ही। और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे ज़्यादा प्राइस फॉल हुआ है 50 पे,
शॉर्ट की पोजीशन बनी 1,43,000 से 50 पे, और यहां तो 40 पे भी पोजीशन लोग बना रहे हैं और 1,98,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो सितंबर में भी देखेंगे तो 8,51,000 से 1,50 पे एक अच्छा सपोर्ट दिखता है। तो कहीं ना कहीं 50 पे कुछ दिन रहे ये रहेगा, लेकिन एक बार आपको ये टूटता हुआ दिखेगा, और जैसा बोलिंगा बैंड में 41 का लेवल दिखा है वो आपको दिखते हुए दिखेगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा स्क्रिप्ट हो सकता है, और हो सकता है कि वापस आपको इसमें अगर लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करते हैं, एवरेज उतना ही कीजिएगा, जब ये जीरो हो जाए तो आपको डर नहीं हो, कोई पूरा बाहर से पैसा ला करके कहीं से पैसा ला करके फंसाने की जरूरत नहीं। दूसरा, मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन भी नहीं है। आपको बाय सेल करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर इन्वेस्टर से बात करने के बाद ही करेंगे। अगर मैं एट दी मनी 57 है तो 60 के पुट को अगर देखो तो 4 रुपया, ये लास्ट ट्रेड प्राइस 10 रुपया 15 पैसे पे मिल रहा है, और अगर 55 का देखो तो 7 रुपये पे मिल रहा है। यह है सितंबर की बात कर रहा हूँ, और 50 का 5 रुपये के लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे मिल रहा है। अगर 50 के पुट को लेते हैं लास्ट महीने के सितंबर को, इसका जो लॉट साइज है 2200 का है, तो कहीं ना कहीं 10,000 रुपये का आपको पेपर ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ देखेंगे ओपन इंटरेस्ट 83% से इंक्रीज किया हुआ है, और अभी भी बाइंग है इस पे, तो मुझे ये बहुत अच्छा दिखता है। लो जहाँ 2.45 का था, हाई 6.65 बनाया है, 5.10 पे क्लोजिंग दिया है, तो आप इसको एक बार टेस्ट कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 2 रुपये का। अगर ये 2 रुपये तोड़ता है तो आप यहाँ से लॉस बुक कर लेंगे, लेकिन एक मेरे कहने से कोई भी बाइंग सेलिंग मत कीजिए। मेरे लिए अगर लेवल अच्छा है जो कि तुरंत रिटर्न दे सकता है तो मेरे अंदाज से इसको अपने को 60 का पुट अगर देखते हैं तो कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता हुआ वो आपको दिखेगा, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये आज 5.75 रुपये का ओपन हुआ था, तो ये आज का अच्छा था, अदरवाइज 22,000 रुपये आपको लग जाएगा, बट इसकी रिटर्न आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगी कंपेयर टू 50 का। तो ये पेपर ट्रेड आप 60 का करेंगे, पेपर ट्रेड कीजिए, वॉच लिस्ट में रखिए, ज़्यादा अच्छा है। यस बैंक पे बेरिश भी हुआ है, अभी भी इसमें बेरिश इतना है, ये अपने वॉल्यूम वेटेड एवरेज को यहाँ इसको क्रॉस करना चाहिए था 59 के आसपास, और 56.30 पे जाके क्लोज देता है। अभी भी बहुत खराब है, और अब प्राइस टू बुक वैल्यू 0.52 बता रहा है, डिविडेंड यील्ड 4.8% है, बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट हो चुका है अभी देखने में, 17-18% की डिलीवरी बता रहा है, जैसे आपको दिखाया भी है यहाँ पे 17-19% तो यस बैंक में डिलीवरी बेस्ड सेलिंग होने की चांसेस दिखते हैं, और ये 45-41 की ओर जाता हुआ आपको फ्यूचर में दिख सकता है। लॉन्ग टर्म के एस्पेक्ट से ये अच्छा स्क्रिप्ट बन सकता है और ये अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।